फ्यूचर परफेक्ट है कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम शैल या विल, हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस के रूप में हम टाइम रेफरेंस का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टाइम रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। समय को दिया जाता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम देखते हैं कि विल या शैल, हैव प्लस बीन प्लस बी फर्स्ट है प्लस आईएनजी प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस के रूप में हम सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फोर का प्रयोग करते हैं टाइम रेफरेंस के रूप में हम। इसके बाद में हम देखते हैं कि सिंस और फोर है उसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कहाँ किया जाता है। एंड ऑन गोइंग एक्शन, एक ऐसा कार्य जो जारी है दैट विल कंप्लीट इन फ्यूचर, और फ्यूचर में कब पूरा होगा, कि एक ऐसा कार्य जो कि जारी है वह फ्यूचर में कब कंप्लीट होगा, इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। एन ऑन गोइंग एक्शन, ऐसा कार्य जो कि जारी है और वो भविष्य में कब पूरा होगा के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। टाइम रेफरेंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर? सिंस और फोर का। सिंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? द एग्जैक्ट स्टार्टेड टाइम, कि वास्तविक है जो समय है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग। जैसे फ्राइडे है, सिंस है 11 AM है। फोर, द अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 hours और 4 9 months है, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रोहित विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक है सिंस 9 AM। रोहित है इस पुस्तक को 9 बजे से पढ़ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर एक्शन है, जारी है, और यहाँ पर एक्शन के आरंभ होने का समय दिया गया है, और यहाँ पर देखते हैं कि फ्यूचर में कब कंप्लीट होगा इसके लिए यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। तो रोहित विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 9 AM। रोहित इस पुस्तक को 9 बजे से पढ़ रहा होगा। इसके बाद में हम देखते हैं ये सेंटेंस है, ही विल हैव कंप्लीटेड 20 years ऑफ हिज प्रिजन लाइफ इन 2020। देखो इस सेंटेंस में और नेक्स्ट सेंटेंस है, और ये वाला सेंटेंस है, ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग 20 years ऑफ हिज प्रिजन लाइफ इन 2020। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं ही विल हैव कंप्लीटेड 20 years ऑफ हिज प्रिजन लाइफ इन 2040। अब है 2040 में अपने 20 वर्ष की और जो जेल की सजा है उसको पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कंप्लीट एक्शन है, कैसा एक्शन है? एक तो कंप्लीट एक्शन है,
और उसकी जो जेल की सजा है वो कितनी, 20 वर्ष की है। कितनी है उसे जेल की सजा, कितनी मिली है, 20 वर्ष की मिली है। तो आपको पता होना चाहिए कंप्लीट एक्शन के लिए, और हम किसका प्रयोग करते हैं, और पास्ट के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर, ही विल हैव बीन कंप्लीटिंग 20 ईयर्स ऑफ हिज प्रिजन लाइफ इन 2040। वह 2040 में अपनी 20 वर्ष की जेल की सजा पूरी कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, एक्शन इनकम्प्लीट है, गोइंग ऑन है, और उसकी जो जेल की जो सजा है 20 वर्ष से अधिक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पोस्ट है फ्यूचर की, निकट भविष्य में जो एक्शन है उसको कवर करने के लिए, पोस्ट फ्यूचर को कवर करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग कहाँ करते हैं, पोस्ट है फ्यूचर के एक्शन को और कवर करने के लिए।